हेलो फ्रेंड, खुशबू की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम आपको अंडे की बिरयानी बनाना सिखाएंगे। ये देखिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं मेरे तरीके से। मैंने यहाँ 4 अंडे लिए हैं और 5 छोटे साइज के आलू ले लिए हैं। हमें इसे उबालना है। पहले हम इसमें डालेंगे पानी। पानी हमें आलू से थोड़ा ऊपर ही तक डालना है फ्रेंड। ये देखिए, पानी हमने थोड़ा आलू से ऊपर तक डाला है। ज़्यादा पानी हमें इस्तेमाल नहीं करना, ज़्यादा पानी का। आइए हम चलते हैं गैस की तरफ। ये हमने गैस कर लिया ऑन। इधर हमने कुकर चढ़ाया। अब हम इसको ढक्कन लगाएंगे। हमें इसे 5 मिनट तक उबालना है अंडे आलू को फ्रेंड। अंडा बिरयानी बनाने के लिए फ्रेंड हमने इधर प्याज काट लिया है। इसे हम फ्राई करेंगे। यहाँ हमने ले लिया है तेज पत्ता 3-4। यहाँ हरी मिर्च। यहाँ हमने थोड़े टमाटर लिए हैं। यहाँ लौंग इलायची। ये हमने अदरक लहसुन और जीरे का पेस्ट बना के रख लिया था। ये देखिए फ्रेंड। और इधर हमें दही में कलर मिक्स करना है। हमने दही में थोड़ा कलर डालना है। ये देखिए, थोड़ा कलर डाल दिया। अब हमें इसे मिक्स करके 5 मिनट तक रेस्ट के लिए रखना है फ्रेंड। ये देखिए, हम कलर मिक्स कर रहे हैं अब इसमें। हमें कलर अच्छे से मिक्स करना है दही में। हम बाजार का कोई सा भी दही यूज कर सकते हैं फ्रेंड। हमें 5 मिनट तक इसे फेंटना है दही और कलर को अच्छी तरीके से। ये घुल जाए अच्छी तरीके से फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, हमारा दही और कलर कितने अच्छे से मिक्सअप हो गया है। हमें मिक्स करके रख देना है इसे। यहाँ हम लेंगे एक पतीला लेंगे। इसमें हम एक गिलास चावल बना रहे हैं फ्रेंड। एक गिलास चावल में हमें 2 गिलास पानी डालना होता है। ये हमने 2 गिलास पानी ले लिया। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। इधर हमने थोड़ा जीरा ऐड कर दिया, थोड़ा सा प्याज, यहाँ थोड़ी हरी मिर्च, हमने लौंग इलायची डालना है, 2-3 लौंग, 1 इलायची, हमने यहाँ तेज पत्ता डालना है, 2 स्वाद अनुसार नमक, स्वाद अनुसार नमक। अब हम इसे उबालना है अच्छी तरीके से फ्रेंड। आइए चलते हैं गैस की तरफ। ये देखिए, हमने गैस ऑन कर दिया। ये देखिए, गैस ऑन हो गया। अब हमें इस पानी को अच्छी तरीके से उबालना है फ्रेंड। ये देखिए, अब हम इस पानी को अच्छी तरीके से उबाल देंगे। हेलो फ्रेंड, अंडा बिरयानी बनाने के लिए हमने कुकर चढ़ा दिया है। यहाँ हम 4 चम्मच तेल डालेंगे। ये देखिए फ्रेंड, 4 चम्मच तेल डालेंगे रिफाइंड। ये हमने तेल डाल दिया। तेल हमारा 1 से 2 मिनट में गर्म हो जाएगा फ्रेंड। तेज पत्ता डालते हैं। ये देखिए, तेज पत्ता डाल दिया हमने। ये हमने लौंग डाल दिया। हमने इलायची। ये देखिए फ्रेंड, हमने चावल को अच्छे से धो लिया था। अब हमें चावल इसमें डालना है। ये देखिए, चावल हमने इसमें डाल दिया। चावल को चलाएंगे थोड़ा। अब ये जो पानी हमने उबाला था फ्रेंड, ये देखिए हमने जो पानी उबाला था, अब हम आइए इसमें ऐड करते हैं पानी। ये हमने पानी ऐड कर दिया। ध्यान रखिएगा फ्रेंड, हमें ये प्याज और ये मिर्च, ये सब जो लिया था, ये हमें इसमें नहीं डालना फ्रेंड। ये हम निकाल देंगे साइड में। अब हम कुकर करते हैं बंद। अब हमें 1 से 2 सीटी में हमारा बिरयानी बनके तैयार हो जाएगा।
आइए जब तक हम अंडा फ्राई कर लेते हैं फ्रेंड। ये देखिए फ्रेंड, हमने अंडा आलू उबाल लिया था और इसे छील लिया है अच्छी तरीके से। आप छील लीजिएगा अच्छी तरीके से अंडे आलू को, और हमने अंडे आलू को छील के भी वॉश करा है। ये देखिए, अब हम इसमें कट लगा देंगे अंडे में। ये देखिए, हमें ऐसे कट लगाना है। ऐसे ही हम और अंडे को कट लगा देंगे फ्रेंड। ये हमने कट लगा दिया अंडे को। आइए हम जब तक प्याज की बिरयानी बना लेते हैं। इधर हम प्याज की बिरयानी बनाएंगे फ्रेंड। ये हमने फैन ले लिया है, फैन हमारा 1 से 2 मिनट में गर्म हो जाएगा। फैन डालेंगे फ्रेंड। ये हमने इसमें रिफाइंड डाल दिया। ये बनाने के लिए फ्रेंड प्याज की बिरयानी बनानी पड़ेगी। ये देखिए, हमने प्याज को काट लिया था ऐसे लंबे लंबे, लंबा लंबा काटना है आपको प्याज को ऐसे। हमने निकाल दिया। हमें पहले प्याज की बिरयानी बनाना है फ्रेंड। अच्छी तरीके से चलाना है हमें प्याज को, प्याज की बिरयानी बना लेना फ्रेंड। ये देखिए, हमने प्याज की बिरयानी बना ली है कितनी अच्छी तरीके से। ये देखिए कितनी क्रिस्पी बनी है हमारी प्याज की बिरयानी, कितनी लाल हो रखी है। ये देखिए फ्रेंड, आइए हम इसे निकाल लेते हैं। ये हमने निकाल लिया प्याज की बिरयानी। उबाला था ये डालेंगे फ्रेंड। ये हमने अंडा ये देखिए फ्रेंड, हमारा अंडा आलू कितने अच्छे से फ्राई हो चुका है। ये देखिए कितने अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हमने इसमें जो दही में कलर मिलाया था ना, अब हम इसको इसमें डाल देंगे। ये हमने डाल दिया। अब हमें इसे चलाना है। अब देखिए दोस्तों, हमें इसमें डालना है हरी मिर्च। ये हमने हरी मिर्च डाल दिया। ये टमाटर, और जो हमने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया था वो डालना है हमें, अदरक लहसुन का पेस्ट। ये हमने डाल दिया अदरक लहसुन का पेस्ट। ये हमने जो प्याज की बिरयानी बनाई थी क्रिस्पी वाली, ये हमें इसमें डालना है। हम इसमें डाल देंगे। अब हम कुछ मसाला ऐड करेंगे फिर इसमें। थोड़ा आमचूर पाउडर और लाल मिर्च, स्वाद अनुसार नमक, स्वाद अनुसार नमक, थोड़ी हल्दी, 1 चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ा जीरा, यहाँ डालेंगे हम तेज पत्ता फ्रेंड। हमने तेज पत्ता डाल दिया इसमें। अब इसे हमें चलाना है अच्छी तरीके से। अब हमें अंडा बिरयानी बनाने के लिए इस मिश्रण को देर तक पकाना है। ये देखिए फ्रेंड, हमने अंडा बिरयानी बनाने के लिए अंडा को कितना अच्छी तरीके से फ्राई किया है। ये देखिए हमारा अंडा कितनी अच्छी तरीके से फ्राई हो चुका है। अब ये जाएगा बिरयानी के अंदर, चावल के अंदर सॉरी। अब हम इसे ट्रांसफ़र कर देंगे चावल के अंदर। ये हमने पुलाव बना लिया था बिरयानी, अभी हम इसमें ट्रांसफ़र करते हैं। देखिए फ्रेंड, अब हम आपको इसमें ट्रांसफ़र करके दिखाते हैं। ये देखिए कितना अच्छा बना है हमारा। आइए मैं ट्रांसफ़र करके दिखाती हूँ। हमें अंडे को चावल में थोड़ा थोड़ा डालना है साइड साइड में। ये
ये हमें आलू और अंडा साइड साइड में डालना है फ्रेंड। ये देखिए हमने डालने के बाद हमें थोड़ा चावल को इसे चलाना है, चला के अंडे को नीचे करना है फ्रेंड। ये ऐसे ही हम दूसरी लेयर लगा देंगे। ये देखिए दूसरी लेयर लगा रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड का बिरयानी। आप भी मेरे तरीके से घर पर ट्राई करो, और वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक जरूर कर देना और सब्सक्राइब भी जरूर कर देना फ्रेंड। ये देखिए कितनी सुंदर बन के तैयार हुई है, आपको हम सर्व करके भी दिखाएंगे। ये बिल्कुल खिले खिले चावल है बिल्कुल साइड साइड में। ये देखिए बिरयानी हमारी फ्रेंड। अब हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए कम आँच पर ढक देंगे। ये हमने प्लेट से ढक दिया, इसे हमें गैस को लो करना है 10 से 15 मिनट के बाद। देखते हैं फ्रेंड, थोड़ा हमारी बिरयानी स्पाइसी होनी चाहिए ना, स्पाइसी बना रहे हैं हम बिरयानी। हेलो फ्रेंड, देखो बिरयानी बनके तैयार हो गई है। ये देखो कितनी स्पाइसी बिरयानी बनी है, कितने फैले फैले चावल है। ये मैं दिखाती हूँ, इसको आप है ना सलाद के साथ खा सकते हैं। ये देखिए हमने सलाद काट लिया इधर, और हम आम के साथ भी खा सकते हैं इसे। अचार इधर ले लिया आपने, अचार या टमाटर केचप, इसके साथ खाइए आपको फ्रेंड बहुत अच्छा लगेगा। आप मेरे तरीके से घर पे बनाइए। अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आई हो बिरयानी की, तो आप चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर।